जब भी कभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन 1.5 ppm से एक्सीड कर जाती है, इट बिकम्स पॉइजनस, तो ये पॉइजनस हो जाता है। तो ऐसे टूथपेस्ट जनरली इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और वैसे भी यूएस वगैरह या यूरोपियन कंट्रीज जो अपने आप को जनरली डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं, आजकल तो तुमने कोरोना में देख ही लिया होगा उनके डेवलपमेंट का क्या हाल है, लेकिन फिर भी जो डेवलप्ड कहती हैं वहाँ पे बच्चों ये है कि जो 10 से 13 साल तक के बच्चे होते हैं उनको ऐसे टूथपेस्ट नहीं दिए जाते जिसमें फ्लोराइड होता है, उनमें फ्लोराइड जिनमें होता है उनको ऐसे टूथपेस्ट नहीं करवाए जाते 10 से 13 साल तक के बच्चों को अक्सर, जिसमें फ्लोराइड होता है। खैर, अगर ये फ्लोराइड कंसेंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो ये पॉइजनस हो जाएगा। तो यही फ्लोराइड है जो सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में, रेड पॉइजन के फॉर्म में बिकता है मार्केट वगैरह में। तो सोच लो, ऐसी कंपनी जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड डालती हैं वो भी इससे ज़्यादा करती हैं, इससे 1.5 ppm से ज़्यादा, वो तुम लोगों को क्या समझ रही हैं? समझ रहे हैं ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मैंने तो बताया सोडियम फ्लोराइड रेड पॉइजन है, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कंपनी ऐसी है बच्चों टूथपेस्ट बनाने वाली, वो जाने क्या तुम्हें समझती है। खैर एनीवे, अब जो भी समझता है समझने तो एनीवे, तो मेन बात हो गई ये। तो ये भी एक एग्जांपल था सॉल्यूशन का, मतलब सुबह उठते यार तुम्हें सॉल्यूशन से ही दो चार होना पड़ जाता है। एनीवे, तो और आगे बढ़ेंगे अब इसमें। तो हम बात कर रहे थे कि कम से कम दो कंपोनेंट का मिक्सचर तो होगा ही सॉल्यूशन, कम से कम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट हुए तो देन तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो भाई तो क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल दो ही कंपोनेंट? नहीं, बिल्कुल होगा। फिर इफ देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, इफ देयर आर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, इफ देयर आर फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, इफ देयर आर फाइव कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड पेंटानरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो यार कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर दो ही कंपोनेंट्स हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, अगर दो कंपोनेंट्स ही रहता है वो तो बाइनरी, अगर तीन रहेंगे तो टर्नरी, पुराना नाम था बच्चों ट्राइनरी, टर्नरी, और अगर चार कंपोनेंट्स होंगे तो क्वार्टरनरी, अगर पांच कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे देन इट इज कॉल्ड पेंटानरी, सॉल्यूशन। अब ये तो ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चों को सवाल उठता है, सर आपने तो बताया था जब दो कंपोनेंट होते हैं एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, अब इतने सारे हो गए तीन चार पाँच, अब क्या करें सर, अब क्या तीसरे चौथे को कोई नया नाम? नहीं बेटा, याद रखिएगा सॉल्वेंट केवल एक होता है, सॉल्वेंट एक होता है और सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं। क्या मतलब, जैसे मान लो मैं टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल, मान लो मैंने तीन कंपोनेंट ए बी सी, ये क्यों लिए ए बी सी, मुझे पता है आपको ए बी सी डी भी पूरी नहीं आती होगी, सी तक तो जानते ही होंगे, चल जाएगा काम। तो ए में मान लो 20% ले लिया, बी मैंने 50% ले लिया, सी मैंने 30% ले लिया, तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वो तो हो गया सॉल्वेंट, बाकी सब बचे खुचे हो गए सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितने कंपोनेंट क्यों ना हो, कितने कोई सा भी मिक्सचर क्यों ना हो, कितने कंपोनेंट क्या ना हो, क्योंकि सॉल्वेंट एक ही होगा जो सबसे ज्यादा होगा, और जो कम क्वांटिटी में होंगे वो सबके सब इकट्ठे थोड़े कम ज्यादा जो भी हैं वो सब सॉल्यूट हो जाएंगे। अब इसी में एक और खास बात आ जाती है फिर, वो क्या कि हमेशा जब ज्यादा क्वांटिटी में होता है वही सॉल्वेंट होता है, कभी कम क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है बच्चों, यदि कभी याद रखना जरा, वाटर ले लिया अपन ने एक कंपोनेंट और दूसरा कोई भी कंपोनेंट है एक्स वाई जेड कोई सा भी है, तुम्हारा एल्कोहल है कुछ भी है वॉट एवर, ठीक है ना, एल्कोहल तुम्हारा रहेगा वाटर मेरा रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना बच्चों। हाँ मैं गंदी बात नहीं करता, तो मेन मुद्दे की बात है जब भी वाटर है और वाटर थोड़ा कम ही क्यों ना हो, वाटर मान लो कम है और दूसरा कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है तो भी माई वाटर इज ट्रीटेड एज ए सॉल्वेंट, मेरा पानी बेटा वाटर जो है वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही वर्क करेगा और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट हो जाएगा। अब कोई बच्चा कह सकता है सर इसमें ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कोई
पर्टिकुलर लॉजिक तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन या बुक्स में ये लिखा गया, नियम बना दिया गया अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कि वाटर जनरली ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, इसलिए अपन को मानना पड़ता है। तो यदि कभी दो कंपोनेंट में एक वाटर है और वाटर कम भी है, याद रखें कम भी है तो भी याद रखिएगा, बहुत कम नहीं कह रहा हूँ, कम भी है तो भी वाटर क्या है, सॉल्वेंट होगा। अब और आगे बढ़ेंगे भाई, जब इतना देख लिया तो थोड़ा सा और बात करेंगे। अब दोनों की अगर फिजिकल स्टेट के आधार पे बांटें, दोनों की फिजिकल स्टेट, दोनों की बोले तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो देयर आर 9 types of solution, 9 types of solutions आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट की दोनों की फिजिकल स्टेट्स के आधार पे बांटे जाए तो 9 types of solution पॉसिबल हैं। वो कैसे पॉसिबल है वो भी बताया जाएगा आपको, इधर देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। एक में बच्चों मैंने लिख दिया फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। दूसरे में ले लिया बच्चों, ध्यान देना, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वैसे ही सॉल्यूशन की भी होगी, सॉल्यूशन की भी होगी। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड फोर्थ में बच्चों एग्जांपल्स, फोर्थ में एग्जांपल्स। जब तक एग्जांपल्स नहीं दूंगा आपको कैसे समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट में सॉलिड ले लिया, सॉलिड, ये भी सॉल्वेंट भी सॉलिड ले लिया, तो क्या सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, याद रखना। तो सॉलिड भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होती है वैसे ही सॉल्यूशन की। मैंने पहले ही बोला था द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंस या डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है। जो भी सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। इसी का एग्जांपल है बच्चों एलॉयज, जिसको मैं पहले ही थोड़े से 2-4 एग्जांपल दे चुका हूँ, ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, याद रखिएगा ब्रॉन्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, सेवरल एग्जांपल्स कैन बी गिवन, गन मेटल वगैरह है, मिस मेटल वगैरह है। मिस मेटल, ये क्या मेरे मुंह से निकल गया बेटा, मिस नहीं, उनको नहीं बना पाऊंगा, मिस मेटल, ये क्या है, ये देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है, मिस मेटल, MISCH बेटा, MISS नहीं, उनको नहीं बना पाएंगे, ये मिस मेटल है। मिस मेटल क्या है बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक मेनली उसमें आयरन, और लैंथेनाइड्स, जो लैंथेनाइड शॉर्ट में लैंथेनाइड्स को एलन लिख रहा हूँ बच्चों, इनके मिक्सचर को ही बच्चों मिस मेटल कहते हैं। ये भी एक अलॉय है, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। एनीवे सेकंड पे आ गया, मैंने सॉल्यूट को सॉलिड ही, ये इसको लिक्विड ले लिया बच्चों, सॉल्वेंट सॉलिड ही लेने रखा, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी कई एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं मेरे द्वारा, बहुत सारे एग्जांपल्स, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएंगे, अभी से इतने एग्जांपल्स याद रहेंगे काम हो जाएगा आपका। तो जरा देखिए, लिक्विड मैंने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट सॉलिड लिया, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। इसके एग्जांपल लें तो मैंने अमलगम ले लिए, मरकरी और सोडियम का अमलगम है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ध्यान रखना जरा, मरकरी सोडियम ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। मरकरी लिक्विड होता है, ये कम क्वांटिटी में लिया, सोडियम सॉलिड होता है, ये बन गया ऐसा सॉल्यूशन। तो अमलगम ऑफ सोडियम ले लिया मैंने, अमलगम, हमेशा याद रखिए मरकरी जब भी किसी मेटल के साथ एलॉय बनाता है देन इट इज कॉल्ड अमलगम, नॉट बबलगम, अमलगम। हालांकि बबलगम भी मैं पढ़ाऊंगा, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर कहलाती है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये पॉलीमर में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये अमलगम ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है, सोडियम का, और ले सकता हूँ मैं गोल्ड के साथ ले लिया मरकरी को, तो भी ये एग्जांपल बन गया, या फिर मैंने कुछ अलग ही लिया एग्जांपल, वो क्या, हाइड्रेटेड मेटल ओर्स ले लिया, हाइड्रेटेड मेटल ओर्स, इसके एग्जांपल ले लिए हाइड्रेटेड मेटल ओर्स, ये क्या, जैसे ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल है ZnSO4.7H2O, विट्रॉल्स हैं, ब्लू विट्रॉल है, ये ग्रीन विट्रॉल है, ये वाइट विट्रॉल है, विट्रॉल बोले तो पॉइजन, जहर है, जहर,
पॉइजन है क्या, जब भी मेडिकल इंजिंग में नहीं होता लोगों का तो वो पसंद कर ले कलर, ये ब्लू विट्रोल है, ये ग्रीन कलर का, ये व्हाइट विट्रोल है। अरे गलत नहीं बेटा, परचूनी की दुकान पे मिलते हैं, मतलब कलर देख के याद कर लें, गलत सोचते हो तुम लोग तो मेरे बारे में। तो ये ब्लू विट्रोल है, ये ग्रीन विट्रोल है, ये व्हाइट विट्रोल है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही कम एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, जरा ध्यान से सुनना। वाटर यहाँ पे लिक्विड की तरह है, ये सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट जो है वो कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने कहा था जब भले कम क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में हो, लेकिन अगर वाटर कम होगा तो भी उसे सॉल्वेंट मानेंगे, सर इसमें फिर सॉल्यूट क्यों मान रहे हो? बेटा यहाँ कुछ जरूरत से ज़्यादा कम है, नहीं के बराबर है। पाउडर ये पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मॉइस्चर वॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब कर लिया और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, क्रिस्टल्स बन गए। यहाँ पाउडरी फॉर्म में था, ये पाउडरी फॉर्म में बहुत सारा, ये दो चार बूंदे इस पे गिर गई होंगी तो क्रिस्टल्स बन गए, डेले से बन गए क्रिस्टल्स, ब्लू विट्रोल इस तरह से। तो बहुत ज्यादा कम है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंपेरेबल थोड़ा बहुत ही कम होता है तो वाटर एज ए सॉल्वेंट, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये ब्लू विट्रोल, ये ग्रीन विट्रोल, ये व्हाइट विट्रोल नाम याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन चुके हैं आईटी वगैरह में, वो सुन लें, और आजकल मेडिकल के एग्जाम में भी बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बहुत बार आया वो ये आया, ब्लू विट्रोल पे बहुत आया कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर आयन से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो याद रखना बच्चों, या तो पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आती कोई बात नहीं, यहाँ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक घटा दो, एक कम कर दो, बाकी सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो है, ब्लू विट्रोल जो है, वो देखना बच्चों तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ केवल तुम्हारे लिए, नहीं तो ये बनाता नहीं अभी, ध्यान रखना जरा, इस चैप्टर का नहीं है ये, देखिए जरा इसमें चार वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस कॉपर आयन से जुड़ते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ध्यान दीजिएगा बच्चों इधर देखिएगा, ये सल्फेट है, सल्फेट सल्फेट, तो वास्तव में सल्फेट आयन SO4 डाय नेगेटिव सल्फेट आयन में और कॉपर आयन में आयनिक बॉन्ड रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, जबकि ये एक वाटर मॉलिक्यूल सभी तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ब्रोकन लाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड को, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बता रही हैं, और ये चार वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, डेटिव बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कॉपर आयन से जुड़ते हैं। तो खैर अभी स्ट्रक्चर में ना जाएं क्योंकि आप लोग इतना अभी नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी बात बता दूं कि कोई पूछ ले कभी भी किसी में भी, ये ब्लू विट्रोल है, ग्रीन विट्रोल है, व्हाइट विट्रोल है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें सेंटर मेटल आयन, इसमें मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो एक तक याद रखना इसमें से एक कम कर देना बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। लेकिन आजकल उल्टा क्वेश्चन आने लग गया, आजकल कुछ कुछ उल्टा सा हो गया, वो क्या हो गया कि क्वेश्चन आ जाता है कितने वाटर मॉलिक्यूल है जो केवल प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो सभी में एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐसा है जो अन्य से केवल प्योरली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने बताया आपको कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें से दो आपको ये बता दिए गए। अब की से थर्ड एग्जांपल में मैं फिर से थर्ड में इसको मैंने गैस कर दिया सॉल्यूट को, ये सॉलिड ही रखा, ये सॉलिड ही रखा, तो इस सॉल्यूशन भी सॉलिड बन गया। कोई सी भी गैस ले लें, लाइक हाइड्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करवा दें पैलेडियम पे एब्जॉर्ब करवा दें, कोई अमोनिया गैस है उसको प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब करवा दें, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है ध्यान रखना बच्चों, दो शब्द होते हैं जो आगे सरफेस केमिस्ट्री में तुम्हें पता लगेंगे, एक एब्जॉर्प्शन एक होता है एब्जॉर्प्शन। अभी मैं बात कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन की, सिंपल वे में बोलूँ किसी भी सॉलिड सरफेस पर गैसियस मॉलिक्यूल्स का एकत्रित हो जाना, गैसियस मॉलिक्यूल का इकट्ठा हो जाना ही एब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर जाने के बजाय बाहर एकत्रित हो जाना एब्जॉर्प्शन। अब इसको जरा केमिस्ट्री लैंग्वेज में थोड़ा ढंग से सुन रहे हैं, द एक्युमुलेशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड देन इन द सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या गैसियस मॉलिक्यूल का किसी भी सॉलिड की सरफेस पर इकट्ठा हो जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, उसके अंदर जाने के बजाय, याद रखिएगा। वास्तव में और ढंग की डेफिनेशन तो एब्जॉर्प्शन की ये कहती है, द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज, मॉलिक्यूलर स्पीसीज कोई भी मॉलिक्यूल्स, हाँ इवन वो गैसियस हो या लिक्विड हो कोई से भी, लेकिन अभी अपन को वो एग्जांपल समझना है, इसलिए जानबूझ के वी आर कन्फाइंड टू गैस,
ओनली। तो देखें द एक्युमुलेशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज ओवर द सर्फेस ऑफ द सॉलिड देन इन द सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उस सॉलिड के अंदर जाने की बजाय उसकी सतह पर एकत्रित हो जाने एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये एकमात्र ऐसा फिनोमिना है बच्चों जिसमें तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। आज से ध्यान रखिएगा, ये सब आपको डिटेल में बाद में तो समझाई जाएगी, थोड़ी सी अभी भी बताई जाएगी। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है, और ये फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी भी नेगेटिव होता है। एब्जॉर्प्शन ही एकमात्र ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें तीनों नेगेटिव होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। अब ये नेगेटिव मतलब क्या बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सो का क्या मतलब है, कोई सी भी ऐसी रिएक्शन हो, कोई सी भी ऐसी प्रोसेस हो जिसमें जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें हीट रिलीज हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और ये एंट्रोपी, तो पहले इसको देख लो, एंथैल्पी को ध्यान रखना कि जब भी कभी बच्चों जो मैंने एब्जॉर्प्शन बताया तो इस सॉलिड को टेक्निकली जिस पर एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्बेंट कहा जाता है, एब्जॉर्बेंट। और जो एब्जॉर्ब होते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी गैसेस उसे एब्जॉर्बेट कहा जाता है। तो जब भी कभी एक मोल एब्जॉर्बेट, एक मोल एब्जॉर्बेट इस एब्जॉर्बेंट की सतह पर एब्जॉर्ब होता है उस समय जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हमेशा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, देयरफॉर इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन द वन मोल ऑफ एब्जॉर्बेंट गेट एब्जॉर्ब्ड, व्हेन द वन मोल ऑफ एब्जॉर्बेंट गेट एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट द एनर्जी द हीट रिलीज इज नोन एज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब डेल्टा एस पे आए, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कैसे होता है, तो याद रखें एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, और जितनी ऑर्डरनेस होगी उसकी एंट्रोपी उतनी कम होगी, उतनी कम होगी। तो क्या मतलब है, जैसे बच्चों सिंपल वे में मान लें आप एक मूवी देख रहे हैं सिनेमा हॉल में, बेटा आजकल तो सिनेमा हॉल बड़ी बंद पड़े हैं, उतना सोचना जरूरी नहीं, सोच ले मान लें सिनेमा हॉल में तो एक सीटिंग अरेंजमेंट डेफिनेट होता है, उसमें सभी लोग बैठ गए और पिक्चर देख रहे हैं आराम से, तो ऑर्डरनेस है, तो उस समय एंट्रोपी लीस्ट है। लेकिन जब भी कभी ये फिल्म छूटी, पिक्चर एंड हुई, मूवी समाप्त हुई, तो उसके बाद जब आप लोग उठे तो कई एग्जिट डोर्स होते हैं, कई एग्जिट डोर्स होते हैं, उठ उठ के डिफरेंट एग्जिट डोर से निकले, कुछ लोगों को पिक्चर नहीं पसंद आती तो सामने जो पर्दा होता है उसको फाड़ के उसमें से निकल जाते हैं। तो मतलब ये डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, और जब जब डिसऑर्डरनेस बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ती है। तो कॉमन सेंस अब अप्लाई करना बच्चों, ये हवा में उड़ रहे हैं कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स वगैरह, और इस सॉलिड की सरफेस पर जब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं इधर उधर आड़े टेढ़े, ठीक है, ज़िगज़ैग मोशन हो रहा है, तो इस समय डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है। जब इस पर एब्जॉर्ब होने लग गए तो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो गए, ऑर्डरनेस आ गई, एंट्रोपी घट गई, देयरफॉर इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस। एकमात्र ये प्रोसेस है, नहीं तो दुनिया के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उसमें एंट्रोपी बढ़ती है, वो सदैव उस डायरेक्शन में होते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 11th में कहता भी था कि याद रखिएगा कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आकर इन दैट डायरेक्शन देयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। यही एक प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है जिसमें एंट्रोपी घट रही है, क्योंकि ऑर्डरनेस बढ़ रही है, ऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस तो कम हो रही है, एंड एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कैसे, ये चूंकि स्पॉन्टेनियस है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, इक्विलिब्रियम पे होते हैं उनके लिए जीरो होता है, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो अपने आप नहीं होते, अपन को करवाने पड़ते हैं, उनके लिए पॉजिटिव होती है। ये आगे बताया जाएगा, अभी सिंपल एक बात सुन लें कि एब्जॉर्प्शन में तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन सिंपल वे में, एब्जॉर्प्शन क्या, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स को किसी सॉलिड पे अपन भेजें, वो गैसियस मॉलिक्यूल इसके ऊपर इकट्ठे होने के बजाय अंदर चले जाएं, एब्जॉर्प्शन एब में चले जाएं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा बच्चों, ये ऊपर इकट्ठे होने के बजाय अंदर चले जाएं, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आजकल तो बेटा बहुत चल रहा होगा एब्जॉर्प्शन, एनीवे खैर छोड़ो अभी इस पे आ जाते हैं। तो यार ये सॉलिड का एग्जांपल कैसे, ये मेटल जो थी पहले भी हम उस पर ये हाइड्रोमोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, चिपक गए,
पूरा एक मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन बन गया ये। अपन को नहीं दिखेगा कि हाइड्रोन गैस कैसे चिपकी हुई है, मगर ये हो गया। इस तरह से प्लेटिनम की सरफेस पे मान लो अमोनिया के मॉलिक्यूल चिपक गए, तो ये भी याद रखें इस तरह का सॉल्यूशन बन गया जिसमें गैस तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बना। लेकिन यहाँ पे एक टफ वर्ड आपको याद कराना चाहता हूँ, अगर आप इस लेवल पे पढ़ते हैं तो आना चाहिए ट्वेल्थ में खासकर, क्या कि जब भी कभी सॉलिड में फिक्स है कि मेटल ही हो, वेदर इट मे बी पैलेडियम प्लेटिनम वट एवर, और कोई सी भी गैस का एब्जॉर्प्शन हो ओवर द सर्फेस ऑफ द मेटल, सॉलिड तो हो पर सॉलिड में मेटल ही हो, देन दिस प्रोसेस नोन एज अकलजन, तो इस प्रोसेस को अकलजन कहा जाता है। अकलजन, अकल नहीं, अकलजन कहा जाता है बच्चों, जब भी कभी मेटल पे के कोई से भी गैसियस मॉलिक्यूल सेट हो गए। तो ये यार तीन एग्जांपल हो गए, तीन एग्जांपल मैंने तो आपसे कहा है कि टोटल 9 होते हैं, 9 बताऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है, और उसमें भी अच्छे खासे एग्जांपल, किसी भी एक बुक में इतने सारे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे आपको किसी भी किताब में, फिर दूसरे टीचर्स की बात ही क्या करेगा। एनीवे तो ध्यान रखना है जरा, इधर देखिए आप फोर्थ एग्जांपल पे आ गए। अब किसे मैंने ये तो सॉलिड ही रखा, ठीक है, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड। आप लोग ज़्यादातर इसी तरह के सॉल्यूशंस को इमेजिन कर पाते हैं, कैसे ये ले लिया मैंने, मान लो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें एक चम्मच शुगर डाल दिया, एक चम्मच शुगर डाल दी, तो इसी तरह का लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी आसानी से, पानी में घुल जाएगी ड्यू टू हाइड्रोन बॉन्डिंग, हाइड्रोन बॉन्ड के कारण घुल जाएगी। थोड़ा ज़्यादा जल्दी है शुगर को पानी चम्मच से चला दिया, और ज़्यादा जल्दी है तो शुगर खुद खा ली, फिर पानी पिया, खुद हिले, ऐसे ऐसे हिले, तो याद रखिए, फिर ध्यान दीजिएगा जरा, फिर वो डिजॉल्व हो जाएगी। एनीवे इस तरह का सॉल्यूशन बन सकता है, ग्लूकोज घोल दिया, सॉल्ट घोल दिया, तो एक्वस सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, अभी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये कॉमन समझ लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। अब फिफ्थ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो लिक्विड ले लिया सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी लिक्विड ले लिया, आपका फेवरेट एग्जांपल बनने वाला है ये भी, फिर लिक्विड ही होगा क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपका भी फेमस है, एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, वाटर तो तुम जानते हो बच्चों, एल्कोहल तो बहुत ज़्यादा जानते हो बच्चों, तो याद रखना है जरा, मैंने ये मान के लिखा है यहाँ पे कि एल्कोहल को मान लो सॉल्यूट मान लिया, सॉल्वेंट लिक्विड जो है वाटर को मान लिया, इस तरह का सॉल्यूशन हो गया। अब ये अलग बात है, कुछ बच्चों को नहीं अच्छा लगे कि सर आपने एल्कोहल कम क्यों लिया, हम तो ज़्यादा लेंगे, हाँ तो आपकी मर्जी, जितना ज़्यादा लेना है आप एल्कोहल लो, इस एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, गलत मत सोचना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, इसमें ध्यान रखना दोनों बेंजीन ले ली और टोलरीन ले ली, टोलरीन का फॉर्मूला लिख दिया शॉर्ट में अभी, तो बेंजीन और टोलरीन का मिक्सचर लिख दिया, ईथर एल्कोहल का मिक्सचर लिख दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है बट नेचुरल है, सॉल्यूशन लिक्विड हो गए। सिक्स्थ एग्जाम्पल पे आ गए बच्चों, ये गैस ले लिया मैंने, सॉल्यूट क्या ले लिया गैस, सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड, तो भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, तो भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व रहती है ऑक्सीजन, भले ही कम अमाउंट में रहे पर एक इतने अमाउंट में रहती है जिससे एक्वाटिक लाइफ चलती रहती है। ये एक्वाटिक लाइफ मतलब क्या, अरे यार एक्वाटिक लाइफ जलीय जीवन, जैसे फिशेस क्रोकोडाइल वगैरह टर्टल्स वगैरह, जीवन उनका चलता रहता है जल में क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, उससे वो रेस्पिरेशन करते रहते हैं, उससे सांस सांस लेते रहते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व रहती है वाटर में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आगे बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये एक्वाटिक लाइफ जो है, एक्वाटिक लाइफ डेंजर में आ जाती है समर्स में, गर्मियों के दिनों में बहुत खतरनाक सिचुएशन में वो एक्वाटिक लाइफ का जीवन खतरे में पड़ जाता है, लेकिन विंटर्स में कुछ नहीं होता। बच्चे लोग कहते हैं विंटर्स में क्यों नहीं होता, सर उसका कारण है विंटर जितनी भी ठंड पड़ेगी ऊपर से फ्रीज हो जाएगा पानी, जम जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व उसमें ही रहेगी, वो घुली रहेगी उसमें,
तो कोई दिक्कत नहीं होगी सांस लेने में, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, समर्स आएंगे, विंटर्स की जगह समर्स आएंगे, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पहले ही वाटर में कम ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, फिर भी जितनी है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए सफिशियंट थी, लेकिन जैसे ही समर्स आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऊपर आ जाती है, वो निकल आती है, एंड एक्वेटिक लाइफ बिकम, या ये कह दें एक्वेटिक लाइफ कम इन डेंजर, वो डेंजर में आ जाती है, और मछलियाँ वगैरह मरती हैं क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की डिजोल्यूशन है वो और कम हो जाती है, ऊपर आ जाती है। क्यों ऊपर आती है आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन जो वाटर में होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन पानी में घटने लग जाएगा, तो जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ डेंजर में आएगी, मछलियाँ वगैरह मरने लगेगी। तुम अपने स्टाइल में सोच सकते हो, क्रोकोडाइल्स वगैरह मरने लग जाएंगे, ध्यान रखना है जरा। तो इसलिए याद रखिएगा जरा, ये बहुत डेंजर में आ जाती है बच्चों लाइफ समर्स में एक्वेटिक लाइफ। अब इसी तरह से CO2 ले लिया वाटर में, हालांकि CO2 तो और कम डिजॉल्व होती है वाटर में, लेकिन तुम्हें तो बताओगा सॉफ्ट ड्रिंक है ही क्या बच्चों, पानी में वाटर में CO2 को डिजॉल्व कर लिया हाई प्रेशर लगा के, तब कार्बोनिक एसिड बन गया, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक को कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। अब CO2 का डिजॉल्यूशन पानी में कम होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा देते हैं, जो आगे हेनरी लॉ में आप पढ़ोगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं गैसेस का डिजॉल्यूशन एक सॉल्वेंट में बढ़ता जाता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, याद रखें। तो हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में इसको डिसॉल्व करके रखते हैं वाटर में, देन यू विल से कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ नहीं, हाँ गलत नहीं सोचना है, सॉफ्ट ड्रिंक इसका एग्जांपल है, और लोग इसी में 20-50 रुपए खर्च करते हैं, CO2 डिसॉल्व पानी को पीते हैं और खुश रहते हैं, और या उसका ढक्कन खोलते हैं तेज से CO2 निकल जाती है बबल के फॉर्म में। एनीवे, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। सेवंथ एग्जांपल पे आ रहा हूँ बच्चों, सेवन पे, अब फिर से मैंने ये तो ख्याल ले लिया थे गैस तक, अब सॉलिड ले लिया, ये इसको मैंने गैस ले लिया, इसको गैस ले लिया, किसको बच्चों, सॉल्वेंट को, तो क्या सॉल्यूशन भी गैस होगा, बिल्कुल, फिर सॉल्यूशन भी गैस हो जाएगा। इसका क्या एग्जांपल दे सकते हैं, स्मोक, स्टॉर्म, ये सब इसके एग्जांपल दे सकते हैं, स्मोक धुआं वगैरह जो है याद रखना जरा, स्टॉर्म वगैरह आंधी वगैरह वो सब इसके एग्जांपल है। क्यों, देखो ना, ये कई बार अपन अपने ग्वालियर में तो अपन इसका एग्जांपल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी टेम्पो हो उसके पीछे यहाँ से बाड़े तक चले जाए आप, कोई दिक्कत ही नहीं, उसका एग्जांपल रहेगा। क्यों, बहुत सारे गैसेस जो हैं पॉइजनस गैसेस, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डिस्पर्स रहते हैं, वो इसका एग्जांपल हो जाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ टेम्पो के पीछे जब भी जाओ, भले साइकिल से मोटरसाइकिल के दूरी बनाए रखना, अभी तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स वगैरह ही निकलते हुए हैं, हो सकता है कहीं किसी दिन पत्थर बाहर ना जाए निकल के। तो बच्चों सॉलिड है, सॉल्यूट सॉलिड, और ये फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की गैस है, तो याद रखना सॉल्यूशन भी गैस हो जाएगा। स्मोक, स्टॉर्म इसके एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन के कारण ऐसा हो जाता है। एर्थ, ये लिक्विड ले लिया बच्चों, मैंने ये लिक्विड ले लिया, ठीक है, सॉल्यूट, और ये गैस है, तो ये तो गैस ही रहा। इसके एग्जाम्पल क्लाउड्स, मिस्ट वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लाउड्स वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लाउड्स, फॉग वगैरह इसके एग्जाम्पल, जिसमें गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट लिक्विड है, क्लाउड्स वगैरह इसके। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आजकल आर्टिफिशियल रेन का जमाना है। क्या होता है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में अक्सर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, कैसे, सारी लैंड वगैरह इंश्योरेंस रहता है उसका, इंश्योर्ड रहती हैं, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको चिंता रहती है उन लैंड पे बारिश वगैरह हुई है, सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, सिंपल पानी वानी देने के लिए सब रहते हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं जिसपे ऊपर से बरसने वाले पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कई इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती हैं कि जब भी कभी क्लाउड्स, एक दो बार समय देखती हैं कि बारिश के समय में उस लैंड के ऊपर से क्लाउड्स चले गए, अपने यहाँ तो इंडिया में अक्सर है अपन देखते हैं क्लाउड्स चले गए बिना वर्षे, देखते ही रह जाते हैं, तो कई बार वो लैंड के ऊपर से गुजरते हैं, वो बरस के बिना वर्षे निकल गए, तो दूसरी तीसरी बार वो इंश्योरेंस कंपनी चांस नहीं लेती, वो जहाँ पे क्लाउड्स निकलने वाले होते हैं, जो उन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ है जिस लैंड का, उससे पहले ही वो एक दो किलोमीटर पहले अपने ड्रम में सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड भर के केमिकल ले जाती हैं और उन क्लाउड पर स्प्रे कर देती हैं, और एडसॉर्प्शन के कारण इन पे जब ये बैठ जाते हैं पार्टिकल सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड के, थिक हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स, और जैसे ही उस लैंड के पास पहुंचते हैं 1-2 किलोमीटर बच्चों बाई एयर डिस्टेंस बहुत कम होती है और तेज़ी से उस लैंड पे बरसने लग जाते हैं। और इसलिए तो आर्टिफिशियल रेन का जमाना, खैर अभी फिलहाल अपन इसको ही देखें तो मेन मुद्दे की बात, लिक्विड ले लिया, ये गैस ले लिया, तो ये गैस ही बनेगा, इसका एग्जांपल क्लाउड्स हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा इसका एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल आ गया 9th पे, जिसमें हम दोनों ही गैस लेंगे बच्चों, गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस, तो ये गैस, इसका एग्जाम्पल एयर हो सकता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर याद रखें, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर एयर कह दें, एयर में और भी गैसेस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मेन तुम्हें पता है 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन है, 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन है, ये हो जाएगी बच्चों। और भी डिफरेंट है, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन का मिक्सचर ले लें, मीथेन इथेन प्रोपेन का मिक्सचर ले लें, इनका मिक्सचर ले लें, कई गैसेस का मिक्सचर ले लें। अब जैसे बाय द वे एयर है, इसमें पूछ ले आपसे सॉल्वेंट क्या है, तो कॉमन सेंस है जो एक्सेस में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा सॉल्यूट, मतलब बाकी ऑक्सीजन तो मैंने लिखी है नहीं लिखी, CO2 VO2 वो सब सॉल्यूट हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, आज इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।